हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता की ग्रेवी बहुत तरीके से बनाई जाती है। आज जो मैं ग्रेवी बनाने जा रही हूँ वो नट बेस्ड और खोया बेस्ड है, जिसे हम मावा भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमको इसके लिए चाहिए। हम इस रेसिपी को दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम कोफ्तों की तैयारी करेंगे और उसके बाद हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं कोफ्ता बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी। यहाँ पे लिया है मैंने आधा कप पनीर, ये होममेड पनीर है। और मैंने यहाँ पे आधा कप आलू लिए हैं जिन्हें मैश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पत्ता और 1 चम्मच मिक्स ड्राई फ्रूट्स जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 2 चम्मच मैंने यहाँ मैदा लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर मुझे यहाँ पर चाहिए। ये सब सामान मेरे को ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े टमाटर लिए जिन्हें रफली चॉप कर लिया है। 2 चम्मच दही लिया है मैंने यहाँ पर। आधा कप मावा है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो बाजार से लाके भी मावा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मैंने होममेड लिया है। ऑयल का यूज़ करूँगी मैं 2 चम्मच। 8 से 10 बादाम और काजू लिए हैं। आधा इंच अदरक को कद्दूकस कर लिया है। 1 हरी मिर्च है, इसको इस तरह काट लिया है। और साबुत गरम मसाला है, इसमें मैंने तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग ये सब लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो लें। यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर यूज़ करेंगे, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। सबसे पहले मैं कोफ्ते बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैश पटेटोज ले लिए हैं और इसी में मैंने पनीर को भी मिला दिया है। धनिया पत्ता भी डाल देंगे इसमें, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। जब हम इसको मैश करेंगे तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको बहुत ज़्यादा चिकना ना करें। केवल हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, ना कि हमें इसका बहुत चिकना डो बनाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे कोफ्ते टाइट हो जाएंगे, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा चिकना डो ना बनाएं। बस सारी चीज़ों को इस तरह से मैश कर लें और फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो ये इसकी ट्रिक है ताकि आपके कोफ्ते जो है वो बहुत सॉफ्ट बने। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, जितने बड़े कोफ्ते हमको बनाने हैं इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। हाथों को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है थोड़ा सा, और ये देखिए इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने काट के रखे थे वो इसके अंदर हम थोड़े से रख देंगे और कोफ्ते को बंद कर देंगे। और दोबारा से दोनों हाथों को रोल करते हुए हम इसको गोल बॉल का शेप दे देंगे। और अब मैं इसको मैदा में रोल कर दूंगी इस तरीके से, और ये हमारा कोफ्ता बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते बनाकर रख लूंगी। तो ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते तैयार करके रख लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल एक कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये देखिए इस तरीके से करके एक एक कोफ्ता मैं इसमें डाल दूंगी। इसके कोफ्तों को फ्राई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम इन्हें बहुत ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, अदरवाइज ये फट सकते हैं। इनको बहुत केयरफुली फ्राई करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। एक कढ़ाई में आप बहुत ज़्यादा कोफ्ते एक साथ क्वांटिटी में ना डालें, जितना बड़ा आपका पैन है उसी के अकॉर्डिंग कोफ्ते इसमें डालें। और अब हम इनको थोड़ा थोड़ा, जब तक ये एक तरफ से कलर चेंज ना कर ले अपना, तब तक हम इनको इसी तरह से सिकने देंगे। जब एक तरफ से थोड़ा सा कुक हो जाएंगे उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से सिक चुके हैं, तो अब हम इनको पलट देंगे दूसरी तरफ से। बिल्कुल इसी तरीके से, ये देखिए इसी तरीके से सारे कोफ्तों को पलट देंगे। और जब तक अच्छे गोल्डन कलर के नहीं हो जाते सब तरफ से, तब तक हम इनको इसी तरह से सेकेंगे। और ये देखिए कोफ्ते सिक कर तैयार हैं। तो अब मैं इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी किचन टावल पे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो किचन टावल में आ जाए। तो ये सारे कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं फ्राई करके, और अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो एक सॉस पैन लिया मैंने और उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है और जीरा। आप यहाँ पे ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। साबुत गरम मसाला डाल देंगे हम, इसको अच्छे से भूनेंगे। फिर मैंने यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च भी डाल दिया है, इसको भी भून लेंगे ताकि इसका रॉ फ्लेवर निकल जाए इस तरीके से। फिर इसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, इनको भी इनके कलर चेंज होने तक भून लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए इस तरह से ये भुन चुकी हैं अब सारी चीज़ें। और अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और भूनने देंगे। टमाटर के अच्छे सॉफ्ट होने तक हमको इसको भूनना है। यहाँ पे मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ ताकि हमारा जो टमाटर है वो जल्दी से कुक हो जाए। तो मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम ढककर रख देंगे, 1 से 1.5 मिनट ढककर पका लेंगे। और ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। और मैं इसमें से अभी साबुत गरम मसाला निकाल कर अलग कर दूंगी, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी सब चीज़ों को निकाल दूंगी। इनका फ्लेवर टमाटर में अच्छे से आ चुका है तो अब हम इनको निकाल देंगे और इन टमाटर को अलग रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर हम इसे मिक्सर में पीस कर एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। और अब मैंने एक पैन ले लिया है, आप चाहें तो वही पुराना पैन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा लिया है, पैन को गर्म होने देती हूँ और इसमें फिर मैं डालूंगी 1 चम्मच के करीब ऑयल, और ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर जो मैंने यहाँ पे पेस्ट तैयार करा है टमाटर का पीस कर, वो इसमें मैं डाल दूंगी। अब अच्छे से हम इसको पकाएंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूंगी। ये देखिए कुक होने के बाद कुछ ये इस तरीके से गाढ़ा हो चुका है और अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है, इसमें मिक्स कर दें अच्छे से। मैंने इसमें दही डाल दिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैंने इसमें आधा ग्लास के करीब पानी डाल दिया है क्योंकि बहुत गाढ़ा हो रहा है अभी ग्रेवी, तो इसलिए हम इसमें पानी डाल रहे हैं। हम इसमें पानी और दूध दोनों ही चीज़ें डाल सकते हैं ग्रेवी को, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो अभी मैंने यहाँ पर पानी डाला है, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो दोबारा मैं इसमें दूध का यूज़ करूँगी, उससे इसकी रिचनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी सब्ज़ी की। और ये देखिए मैंने बचा हुआ नमक भी इसमें डाल दिया है। नमक का बहुत ध्यान रखें क्योंकि आप ऑलरेडी टमाटर में भी नमक यूज़ कर चुके हैं, कोफ्तों में भी नमक पड़ा हुआ है, तो हिसाब से ही नमक यहाँ पर डालें। और ये जो चीनी भी डाल दी है इसमें, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए जो ग्रेटेड खोया है वो भी मैं इसमें मिला दूंगी, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसको अब 2 से 2.5 मिनट के करीब दोबारा से पका लेंगे ग्रेवी को। और ये देखिए ये पककर कुछ इस तरह हो गया है, अभी भी गाढ़ा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे आधा कप दूध लिया है और इस दूध को भी मैं इसमें डाल दूंगी और मिक्स कर लूंगी अच्छे से। आप अपनी ग्रेवी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा गाढ़ा पतला कर सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके की ग्रेवी पसंद है। आपको जैसी ग्रेवी पसंद हो वैसी रखिए। और अब हम इसको ढककर छोड़ देंगे और 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और पकने के बाद घी जो है वो ऊपर ग्रेवी पे आ चुका है, इसका मतलब हमारी ग्रेवी पककर रेडी है इस टाइम बिल्कुल। अब हम इसको और कुक नहीं करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी लिया, क्रश करा दोनों हाथों के बीच में रख के और इसमें डाल दिया इस तरीके से। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है ग्रेवी में। तो ये ग्रेवी अब हमारी बिल्कुल पककर रेडी है, अब हम इसको और कुक नहीं करेंगे। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। सर्विंग टाइम पे सर्विंग बोल में हम कोफ्ते रखेंगे और अब हम ग्रेवी को इसके ऊपर से पोर कर देंगे। अगर हम पहले से ही कोफ्तों को ग्रेवी के अंदर डिप करके रखेंगे तो, क्योंकि कोफ्ते बहुत सॉफ्ट है तो हो सकता है कि वो थोड़े से घुल जाए, तो इसलिए हम सर्व करते टाइम ही कोफ्ते इसमें डालेंगे। तो इस तरीके से पोर कर दिया और थोड़ा सा मैंने इस पे हरा धनिया लगा दिया है। ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से इसको गार्निश करना चाहते हैं। तो मलाई कोफ्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इस फेस्टिव सीजन में और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।